बहुत ही गंदे तरीके से गाय कट गई है। और हम जा रहे हैं यहाँ से केदारनाथ, यहाँ से जाएंगे सिरोही रोड और इस ब्लॉग को चालू कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज योर डेविड सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, केदारनाथ के ट्रिप के साथ। तो जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। भैया शूट करना, ये अपना ऑफिशियल लगेज जा रहे हैं। ये हमारा ऑफिशियल लगेज जो कि 10 किलो का वेट है, इसको हम पहुंचाएंगे ऊपर और हम यहाँ पे मिलने आए हैं। और ये हमारे दीपू भाई हमको शुभकामना देने आए हैं। तो हम बिल्कुल अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे। आप वीडियो में लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना, बाकी सब बढ़िया है। चलो जी, फाइनली सिरोही रोड स्टेशन पर हम लोग आ गए। हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर बैठा। 3:40 की योगा एक्सप्रेस की ट्रेन है, इसमें हम लोग योगा करेंगे और जाएंगे सीधे यहाँ से हरिद्वार। मतलब कि फाइनली हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सब ये है दीपक, धीरज, संजय, मनीष, गौरव, हिमांशु एंड मुकेश। तो ये सारे लोग हमारे साथ रहने वाले हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। जय केदार। अहमदाबाद से आने वाली हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी संख्या 521004 अपने निर्धारित समय पर सिरोही रोड पर आ रही है। कृपया असुविधा के लिए खेद है यात्रियों से, क्योंकि हमारी योगा एक्सप्रेस 50 मिनट लेट है। तो यही हमारा रैन बसेरा है अगले 50 मिनट के लिए। उसके बाद हम पकड़ेंगे हरिद्वार वाली ट्रेन। जब तक आप सभी व्यूअर्स से मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट में टिक 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 कुछ ना कुछ टाइप जरूर करें। धन्यवाद। कॉमेडी खूब ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि भाई अगले 50 मिनट तक पता नहीं ट्रेन कैसे लेट हो गई है। ये थोड़ी सी असुविधा हमको हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप घूमने ही जा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा, शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। अपलोडिंग का टाइम वैसे फिक्स नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं किस टाइम कहाँ रहूँगा, आगे केदारनाथ में हमको नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में एंड तक, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस, हम सिरोही रोड से रवाना हुए थे। अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन आके गया, उसका तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे सीटें मिल गई है। हमारी टिकटें वैसे कन्फर्म नहीं हुई थी, तो कोई इधर सेट हो गया, कोई उधर सेट हो गया। 4 टिकटें कन्फर्म हो चुकी है और मेरी टिकट और गौरव की टिकट कन्फर्म हो चुकी है। चलो जी, तो धीरे धीरे करके हम पहुंच गए मारवाड़ जंक्शन। अभी तो जर्नी खूब लंबी है और देखो अभी तो बैग ले लेके उतर रहे हैं भाई, मतलब अरे अभी तो नहीं आए हैं, मैं उतरा मतलब सबको उतरना है। अभी तो खूब दूर है, जरूरी नहीं है। तो बाहर आ गए हैं, चाय वाय अब थोड़ा जुगाड़ करेंगे, चाय वाय पियेंगे और बढ़िया आनंद करेंगे। तो भाई, इस यात्रा की शुरुआत में हमें मिले अंकल और आंटी, और इनसे काफी सारे बातें हुई, काफी सारा नॉलेज भी मिला हमें और काफी अच्छा व्यवहार लगा इनका। तो जर्नी की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी हुई है। और यहाँ पर ये अंकल भी मिले थे। सर आपका नाम? महेंद्र जी। तो हम सब साथ साथ में बैठे हैं और काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है और हमारे नए नए सब्सक्राइबर भी बन गए हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक गंदी सी खबर आई है मेरे पास। रेल के नीचे गाय आकर कट गई है, और वो इतनी गंदी तरीके से कट गई है कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा नहीं बिल्कुल भी। बोलो क्या? तो मैं आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही गंदी तरीके से गाय कट गई है। तो बस आज के लिए ये वाला शॉट नहीं दिखाऊँगा। 7:30, आधे घंटे की नींद पूरी करने के बाद पता नहीं कौन से स्टेशन पर आ गए हैं। अब थोड़ी सी तलब है चाय की, तो कह रखा है ग्रुप को कि जब भी चाय आ जाएगी हमको मिला देगी, जब तक ये चश्मा पहन के फिर से सोने। अरे सिंह बोलो, जाना बोलो, मुकली बोलो, सिंह बोलो। तो भाई, ब्यावर रेलवे स्टेशन आ गया है अभी तक, और भाई देख लो मौसम फुल बारिश हो रही है, मतलब फुल बारिश। ये देखो आप हाथ गीला करते है, ये देखो फुल बारिश। वैसे लेंस पे भी थोड़ा बहुत पानी आ गया, इसलिए आपको वैसे ही पता चल गया होगा। और यहाँ पे देखो फुल बारिश, फुल। और इस बारिश में अभी हम जाएंगे केदारनाथ। चलो भाई, रात के 8:30 बज गए हैं और डिनर का टाइम हो गया है। खाना वाना सब घर से लाया आज तो, और क्या खाक रहे है, पता नहीं क्या क्या, आचार की चटनी है और पूरा ग्रुप तैयार है उसके ऊपर टूट पड़ने के लिए। आज एकदम हेल्दी खाना खाएंगे घर का, आगे पता नहीं क्या क्या होगा, देखते जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, सुबह के बज रहे हैं 10 और इस वक्त हम खड़े हैं टपरी जंक्शन पर। पिछले आधे घंटे से ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है। तो यहाँ का कुछ ब्लॉग करते हैं, क्योंकि आज सुबह से कुछ ब्लॉग बनाया नहीं है और हमारा पूरा ग्रुप यहीं आपको मैं मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। हरिद्वार यहाँ से सिर्फ एक स्टेशन छोड़ के ही है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है। और यहाँ पर हमारे सबके भाई लोग जय केदार।
तो ये पूरा ग्रुप केदारनाथ जाएगा, लेकिन इससे पहले ये हरिद्वार में रुकेगा। अब हरिद्वार में क्या क्या करेंगे वो सब इसी व्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। सुबह का व्लॉग काफी कम बना है, लेकिन धीरे धीरे आगे और हरिद्वार में जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। चलिए भाई, दोपहर के 12 बज गए हैं और हम आ गए हैं हरिद्वार की धरती पे। और अभी इस टाइम हमारे 3000 यूट्यूब की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस, 3000 यूट्यूब। और यहाँ पे अपन के सब भाई लोग आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली अपने आज 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अपने यूट्यूब फैमिली। दिन बर दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ती जा रही है और आज अपन ने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। अब हम यहां से कहां जाने वाले हैं, हमारा कोई रेन बसेरा फिक्स नहीं है। जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे हमको पता चलता जाएगा कि हमें करना क्या है। तो जैसा भी अपडेट रहेगा आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा देंगे। काफी ज्यादा मजा आया ये मूर्ति देखने में भाई साहब, एकदम अल्टीमेट है। काफी ज्यादा मतलब मन को भा गई, इतनी शानदार मूर्ति है। और इसी के साथ यहाँ का व्लॉग यही खत्म करते हैं हरिद्वार में ही, अगला व्लॉग आगे चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।